नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बिहार से एक अजीबोगरीबो घटना सामने आई है। जी हाँ, जहाँ पे एक टीटी की जमकर पिटाई हो जाती है। ऐसा एक रूट है जहाँ पे अगर टीटी टिकट चेक करने जाता है तो टीटी की जमकर पिटाई हो जाती है, जबकि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर बड़ा जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन इस रूट की बात ही अलग है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये कौन सा रूट है जहाँ पे टीटी की जमकर पिटाई होती है। दोस्तों, क्या है पूरी घटना जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, पटना से रांची जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में टिकट मांगने पर यात्रियों द्वारा टीटी को पीटने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को टीटी एसके सिंह की जनशताब्दी एक्सप्रेस में ड्यूटी थी। सुबह जैसे ही ट्रेन जहानाबाद पहुंची, उसमें काफ़ी संख्या में दैनिक यात्री चढ़ गए। टिकट जांच करते हुए एसके सिंह बोगी संख्या D5 में पहुँचे। उन्होंने यात्रियों से जाँच के लिए टिकट मांगा। टिकट मांगने पर समूह में चढ़े यात्रियों ने टीटी की जमकर पिटाई कर दी। फिर बाद में आरोपी यात्री गया स्टेशन से पहले ट्रेन को रोककर फरार हो जाते हैं। पिटाई से टीटी के मुंह और शरीर में भयंकर चोट आ जाती है। आपको बता दें, ऐसे मामले में जेल भेजने का भी आदेश दिया जा सकता है। लेकिन रेलवे के कुछ रूट ऐसे भी हैं जहाँ पे ये नियम हवा हवाई साबित हो रही है। ऐसा ही एक रूट है पूर्व मध्य रेलवे का, पटना गया रेलखंड। इस रूट में टिकट चेक करने की हिम्मत टीटी को जल्दी नहीं होती है। पटना से गया के रास्ते रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में गुरुवार को एक ऐसी घटना हो गई। आपको बता दें, पटना गया रूट पर टिकट चेकिंग स्टाफ की पिटाई का यह मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी इस रूट पर कई घटना हो चुकी है। जनशताब्दी इस रूट की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है। इस ट्रेन में पहले कई बार टीटी के साथ मारपीट हो चुकी है। तो दोस्तों, जनशताब्दी ट्रेन में इस तरह से टीटी की पिटाई का मामला सामने आया है। इसके बारे में आपके क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।